नमस्कार दर्शकों, पितृ अमावस्या पर आप अपने पितरों की कैसे विदाई करेंगे और आपको अपने पितरों का कैसे आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में कैसे सुख समृद्धि आएगी, आज हम आपको बताते हैं। दर्शकों, पितृ अमावस्या जिसे सर्वपितृ श्राद्ध भी कहा जाता है, इस बार 17 सितंबर को है, यानी कि कल। इस दिन पितृपक्ष का समापन हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पितरों की विधिवत विदाई जाती है और हमारे पूर्वज धरती से वापस परलोक चले जाते हैं। पितरों की विदाई करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है और कुछ परंपराओं का निर्वाहन। आइए जानते हैं कि कैसे की जाती है पितरों की विदाई। सबसे पहले आपको श्राद्ध कर्म और तर्पण। पितृपक्ष में अंतिम श्राद्ध को सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कि सर्वपितृ अमावस्या का महत्व इसलिए सर्वाधिक होता है क्योंकि जिन्हें अपने पितरों का श्राद्ध याद नहीं होता, वे लोग इस दिन भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और दान कर सकते हैं और उनका तर्पण कर सकते हैं। शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या का महत्व इसलिए और माना गया है क्योंकि इसी दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा, अमावस्या और चतुर्दशी के दिन होती है। इतना ही, सर्वपितृ अमावस्या पर आप उन सभी का श्राद्ध कर सकते हैं जिनके मरने की तिथि आपको याद ना हो। इस दिन का महत्व दान पुण्य के लिहाज से बहुत खास माना जाता है। कि पितृ अमावस्या के दिन पितृ अपने बेटे और परपोते को आशीर्वाद देते हुए अपने लोक जाते हैं। घर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और वास्तु दोष में कमी आती है। पितृ विसर्जन विधि। पितृ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। इस दिन घर में सभी लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम के वक्त मिट्टी के चार दीपक में सरसों का तेल डालकर रुई की बत्ती बनाकर डाल दें। इन सभी को घर की चौखट पर रख दें। इसके बाद एक दीपक लें और एक लोटा जल लें। शाम के वक्त घर में बैठकर अपने पितरों से प्रार्थना करें कि पितृपक्ष का समापन हो गया है, इसलिए आप परिवार के सभी सदस्यों को आशीष देकर अपने लोक को जाएं। कौए और गाय को कराएं भोजन। पितृ अमावस्या के दिन घर की महिलाएं सुबह स्नान के बाद भोजन तैयार करें और फिर पितरों के निमित्त भोजन घर बुलाकर किसी ब्राह्मण को करवाएं और फिर उन्हें दान भी करें। इसके बाद एक थाली भोजन कौए और एक हिस्सा गाय को भी दें। ये सब करने के बाद पितरों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।